नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पूरन गराटी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो विद्यार्थियों, पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर चल रहा था अपना। पिछले लेक्चर में अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जनरल जो बातें थी, भाई कैसा कुछ उसने हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त करे, कितने वर्ग करे और कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया, सब कुछ कर लिया था। ठीक है, अब इस जो लेक्चर है इसमें अपन करेंगे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है कैसी स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसमें किस प्रकार से तत्वों को अरेंज कर रखा है, कौन कौन से तत्व कहाँ पे उपस्थित है, ये सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो अब अपन बनाएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखिए विद्यार्थियों, जो पिछला लेक्चर था उसमें अपन ने बताया था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें 7 तो आवर्त थे और 18 क्या थे, वर्ग थे। ठीक है, ये तो बताया था ना। और 4 ब्लॉकों में डिवाइड किया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। एस ब्लॉक में वर्ग संख्या 1 और 2 के तत्व थे और पी ब्लॉक में वर्ग संख्या 13 से 18 तक के तत्व थे। डी ब्लॉक में वर्ग संख्या 3 से 12 तक के, इसकी जो 4 सीरीज थी, 4 श्रेणियां थी, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। ठीक है, इसी प्रकार जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स थे उनको आवर्त सारणी में मुख्य में ना स्थान रख के कहाँ, नीचे 2 क्षैतिज रेखाओं में रखा, 14 तत्व थे। और जो एफ ब्लॉक के पहला जो सीरीज थी, पहली जो श्रेणी थी उसको 4F सीरीज कह रहे थे, जिसको लेंथेनाइड सीरीज भी कहते थे, क्या था। ठीक है, और इसके बाद में अगली थी 5F सीरीज, उसको एक्टिनोइड सीरीज भी कहा था। ठीक है, ये कुछ कर रहा था। अब देखते हैं अपन आवर्त सारणी की स्ट्रक्चर। तो देखिए, अपन ने ये भी बताया था कि वर्ग क्या होती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, और जो आवर्त होते हैं वो होते हैं क्षैतिज रेखाएं। ठीक है, तो अब इस प्रकार से अपन वर्ग बना रहे हैं। ठीक है, ये वर्ग संख्या 1 है अपना, कौन सा है, ये वर्ग संख्या 1 है। ठीक है, और ये वर्ग संख्या ले लेता हूं मैं 2, ये क्या है, वर्ग संख्या 2 है। ठीक है विद्यार्थियों, ये है वर्ग संख्या 2। वर्ग संख्या 2 में मतलब वो द्वितीय आवर्त से शुरू होता है, वर्ग संख्या 2 द्वितीय आवर्त, ये आवर्त संख्या 1 है। ठीक है, और वर्ग संख्या 2 कौन से, कहां से शुरू होता है, द्वितीय आवर्त से शुरू होता है। ठीक है विद्यार्थियों, ये अपन ने कर लिया था। अब जो वर्ग संख्या 3 है, वर्ग संख्या 3 ये कौन से आवर्त से शुरू होता है, ये चतुर्थ आवर्त से शुरू होता है। ठीक है, तो वर्ग संख्या 3 चौथे आवर्त से शुरू होता है, कौन से शुरू होता है, चौथे आवर्त से शुरू होता है, यहां से वर्ग संख्या 3 शुरू होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये पांचवा आवर्त हो गया, ये छठा आवर्त हो गया और ये हो गया अपना सातवां आवर्त। तो ये वर्ग संख्या 4 कहाँ से, सॉरी, वर्ग संख्या 3 कहाँ से शुरू होता है, चौथे आवर्त से। ठीक है, तो ये हो गया अपना वर्ग संख्या 3। ठीक है, ये हो गया वर्ग संख्या 3। ठीक है, ये सारे मतलब वर्ग संख्या 3 से 12 तक टोटल है ना, वो ही चौथे आवर्त से शुरू होते हैं। तो ठीक है, अब ये अपना वर्ग संख्या हो गया कौन सा, 4, ये हो गया अपना वर्ग संख्या 4, ये हो गया वर्ग संख्या 5। ठीक है, ये हो गया 6, ठीक है, ये हो गया अपना वर्ग संख्या 7, ये हो गया अपना वर्ग संख्या 8 और ये हो गया अपना वर्ग संख्या 9। ठीक है, और ये हो गया वर्ग संख्या 10। ठीक है, ये हो गया विद्यार्थियों वर्ग संख्या 11 और ये हो गया वर्ग संख्या 12। ठीक है विद्यार्थियों, इनके आवर्त भी बना देते हैं ऐसे ही। ये चौथा आवर्त हो गया ऐसे, ठीक है, ये पांचवा आवर्त हो गया, ये छठा आवर्त हो गया और ये नीचे वाला
सातवां आवर्त हो गया। ठीक है, आप देखिए विद्यार्थियों, इसके बाद में वर्ग संख्या 13, वर्ग संख्या 13 शुरू होता है अपना कहां से, आवर्त संख्या 2 से, मतलब आवर्त संख्या 1 इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अपना आवर्त संख्या 3 और ये हो गया 2। ठीक है, यहां से वर्ग संख्या क्या कौन सा शुरू हो जाता है, वर्ग संख्या 13 शुरू हो जाता है। ठीक है, 14 भी वर्ग संख्या आवर्त संख्या 2 से शुरू होता है, ये वर्ग संख्या 14 हो गया, ये हो गया वर्ग संख्या 15, ये हो गया अपना वर्ग संख्या 16 और ये हो गया वर्ग संख्या 17। ठीक है विद्यार्थियों, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है और ये 17। और 18वां वर्ग संख्या है ना, 18वां वर्ग संख्या ये प्रथम आवर्त से ही शुरू हो जाता है। वर्ग संख्या 18 प्रथम आवर्त से ही शुरू हो जाता है, ये हो गया 18वां वर्ग, वर्ग संख्या 18। ये हो गई अपनी क्या, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के एक स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, मैंने यही बताया था कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर 7 तो आवर्त होते हैं और 8 क्या होते हैं वर्ग, सॉरी 18 क्या होते हैं वर्ग होते हैं। ठीक है, और जो 18 वर्ग जो वर्ग हैं वो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के रूप में होते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा इस प्रकार से है ना, मतलब टॉप टू बॉटम। ठीक है, और जो आवर्त है वो क्या है, क्षैतिज रेखा, लेफ्ट टू राइट। तो ये हो गया आवर्त सारणी का क्या, लेफ्ट पार्ट और ये क्या हो गया राइट, लेफ्ट टू राइट हो गया। और ये आवर्त सारणी का टॉप हो गया पीरियोडिक टेबल का, और ये टॉप टू क्या हो गया बॉटम, टॉप टू बॉटम। तो आवर्त टॉप टू बॉटम, सॉरी वर्ग टॉप टू बॉटम चलते हैं, आवर्त लेफ्ट टू राइट चलते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आप देखिए ये हो गया अपनी क्या, आवर्त सारणी के एक स्ट्रक्चर बन गई। अब इसमें मैंने बताया था कि वर्ग संख्या 1 और 2 के तत्व कौन से होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व है। तो ये हो गए अपने एस ब्लॉक के तत्व, यहाँ पे एस ब्लॉक तत्व होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट है वर्ग संख्या 2 और 1 के। और ये जो है ये होते हैं डी ब्लॉक तत्व है, कौन से डी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, वर्ग संख्या 3 से लेके 12 तक। ठीक है विद्यार्थियों, अब ये है ना जो ये अपना वर्ग संख्या 13 से 18 तक, ये है अपना पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और इसके बाद में क्या है एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसके बाद में क्या है एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या बताया कि वे इनको आवर्त सारणी में जगह ना देके नीचे क्षैतिज रेखाओं में जगह दिए, दो इसकी सीरीज थी। ठीक है, पर सीरीज में 14 एलिमेंट हैं, पर सीरीज में कितने हैं 14 एलिमेंट, 14 तत्व उपस्थित हैं। ठीक है, तो ये भी बना देते हैं अपन, ये हो गया अपना, इसके दो सीरीज हैं 4F सीरीज और 5F सीरीज। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कितनी सीरीज हैं, दो सीरीज हैं, तो ये हो गया 4F श्रेणी सीरीज को। ठीक है, और ये हो गई अपनी 5F श्रेणी, 5F सीरीज। ठीक है, इसमें 14 तत्व हैं, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवंथ, ट्वेल्थ, 13 और 14। ठीक है, ये हो गया अपनी क्या एफ ब्लॉक तत्व, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और अपन को पता है कि जो 4F सीरीज है इसको क्या बोलते हैं लेंथेनोइड सीरीज, और 5F सीरीज को एक्टिनोइड सीरीज। ठीक है, जो 4F सीरीज है, 4F श्रेणी, इसको लेंथेनोइड सीरीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एलिमेंट्स हैं ना ये लेंथेनम के बाद में आते हैं। ठीक है, और 5F सीरीज को एक्टिनोइड सीरीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्टिनम के बाद में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये वैसे ये जो एलिमेंट्स है ये इस ग्रुप में उपस्थित होते हैं, इस समूह में, इस वर्ग में उपस्थित होते, तीसरे वर्ग में, जिसको थर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, अब अपन पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का भरते हैं एलिमेंट्स को। तो देखिए विद्यार्थियों,
पहला तत्व अपन का हाइड्रोजन होता है और वो प्रथम वर्ग के प्रथम आवर्त में उपस्थित होता है, ठीक है। वो तत्व को किस आधार पर रखा उसने, परमाणु द्रव्यमान सॉरी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा, ठीक है, एटॉमिक नंबर के। तो दूसरा तत्व होगा अपना हीलियम, ये भी प्रथम आवर्त में ही उपस्थित होता है, 18वें वर्ग में उपस्थित होता, ठीक है, 18वें वर्ग में। इसका परमाणु क्रमांक 2, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद में तत्व है हीलियम के बाद में लिथियम, लिथियम उपस्थित होगा जस्ट यहां पे, कहां पे उपस्थित होगा, यहां पे, तीसरा। फिर लिथियम के बाद में है अपना बेरेलियम, बेरेलियम उपस्थित द्वितीय वर्ग के द्वितीय आवर्त में, ठीक है, ये 4 नंबर पे, ठीक है। फिर बोरोन, बोरोन 13वें वर्ग में उपस्थित होता है, ये 5 है इसका परमाणु क्रमांक। फिर कार्बन, कार्बन का 6 परमाणु क्रमांक, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं। फिर कार्बन के बाद में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का है 7 परमाणु क्रमांक, और फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है 8 परमाणु क्रमांक, फिर फ्लोरीन, फ्लोरीन का है 9 परमाणु क्रमांक, और फिर क्या है, नियोन, नियोन का है 10 परमाणु क्रमांक, ठीक है। ये 10 एलिमेंट्स तो अपन को कैसे है, मतलब ऐसे याद करने कर पड़ेंगे क्या, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। तो देखो इनको याद करने के लिए, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इसके लिए एक मैंने फॉर्मूला बना रखा है, देखो है हे, हीलियम है ना, है हे, है हे ली बे बस नो फनी, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक 1 से 10 तक के, मतलब शुरू के 10 तत्वों का अपन याद करें तो उनके लिए एक फॉर्मूला है क्या, सुपर ट्रिक है, हेली बेबस नो फनी, ठीक है। हाँ, अब इसको अब अपन को वर्ग को भरना है, वर्ग संख्या 1 को, वर्ग संख्या 2 को। देखो जैसे अपन ने फॉर्मूला तैयार कर रखा है उसी प्रकार से उनके गुणों में भी क्या है, समानता, जिस प्रकार से अपन को याद करना है उसी प्रकार से गुणों में भी समानता आएगी। तो देखो इसको छोड़ देते हैं, ये तो आवारा तत्व है, मतलब इसका किसी से कोई मेलजोल नहीं, इससे भी मेलजोल है तो इनका हेलोजन से भी मेलजोल है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये लिथियम हो गया, लिथियम, तो इसको याद, ये तत्व भरेंगे तो इनको याद करने का फॉर्मूला है, एक स्ट्रिक है, लीली ने कहा या लीला ने कहा रूबी सजी फिरे, ठीक है, लीला ने कहा रूबी सजी फिरे, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रुप, प्रथम समूह हो गया, ओके। फिर बेरेलियम वाला, इसमें क्या, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। अब इनको कैसे याद किया अपन को, इनको वर्ग में याद किया, तो इन तत्वों के मतलब एस ब्लॉक तत्वों में वर्ग में ही समानता होगी, एक वर्ग में समानता होगी, मतलब ये ना, ये इनके गुण सभी के लगभग क्या होंगे, समान, इसी प्रकार इनके गुण भी लगभग क्या होंगे, समान, ठीक है। अब जो है वर्ग संख्या 3, 4, 5, 6 ये 12 तक के, इनमें अपन को ऐसे याद नहीं करना है, इनको अपन को सीरीज से याद करना है। मैंने बताया था कि भाई इनकी 3-4 सीरीज होते हैं, ये है, इसको बोलते हैं 3D सीरीज, इसको बोलते हैं 4D सीरीज, इसको 5D सीरीज और इसको 6D सीरीज। तो इनको सीरीज में याद करेंगे और इनके गुणों में भी क्या है, सीरीज में ही समानता होती है। देखो इनमें तो क्या है, ऊर्ध्वाधर समानता होती है गुणों में, और इनमें क्या ऐसी होती है, क्षैतिज समानता। भाई जिस प्रकार का मैंने फॉर्मूला बना रखा है ना, उसी प्रकार से, जिस प्रकार की सुपर ट्रिक बना रखी है मान लो, उसी प्रकार से अपन को उनके गुणों में समानता भी दर्शानी है। जैसे सुपर ट्रिक में जो आएंगे ना, वो गुणों में समान रखेंगे, ठीक है। तो अब कैल्शियम के बाद में आता है 21 पे स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम, ठीक है। और इसको याद करने के लिए देखो क्या है, इसको याद करने के लिए शक्ति, वक्र, मैग्नीज, फेको, नी, कोपर, जिंक, ठीक है। ये 21 है, ये 30 पे है, इसका परमाणु क्रमांक है 30। शक्ति, वक्र, मैग्नीज, फेको, नी, कोपर, जिंक, ठीक है। ये 3D सीरीज हो गई अपनी, ठीक है। इसको फोर याद करने के लिए सुपर ट्रिक क्या है, शक्ति, वक्र, मैग्नीज, फेकोनी, कोपर, जिंक। तो इनके गुणों में समानता भी सुपर ट्रिक में ही है। ये जो एक सुपर ट्रिक में आएंगे ना, वो सारे के सारे तत्वों के गुण क्या होंगे, लगभग समान होंगे, ठीक है।
हाँ इसी प्रकार देखो लिली ने कहा रूबी सज्जी फिर तो इनके गुणों में समानता होगी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे या बाप राजी इसके गुणों में भी क्या होगी समानता होगी, मतलब इनकी तो उदरवादर समानता है और इनकी कैसी है क्षितिज समानता है। ठीक है आप देखिए विद्यार्थियों अगला तत्व तो इसमें है यट्रियम 39 परमाणु क्रमांक है, यारी इसका याद यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक रू रो पड़ेगी आज चांदनी। ठीक है रू रो पड़ेगी आज चांदनी। ठीक है ये कैडमियम है, कैडमियम का परमाणु क्रमांक होता है 48 48। ठीक है इसका 48 एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है ये 48 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 48 ओके। अब इसके बाद में है जो 5D सीरीज इसको इसमें है लेंथेनम लेंथेनम। ठीक है ले हाफ टैबलेट वरे ओस्मियम इधर पट्टाओ या पिट्टी। ठीक है आलू हलवा। ठीक है क्या है लेंथेनम और लेंथेनम का परमाणु क्रमांक होता है विद्यार्थियों 57। ठीक है ले हाफ टैबलेट वरे ओस्मियम इधर पटाओ आलू हलवो। ठीक है ये इसकी क्या है कि सुपर ट्रिक है। ठीक है अब विद्यार्थियों अब इसका परमाणु क्रमांक देखिए लेंथेनम के बाद में 14 तत्व किसके आते हैं लेंथेनोइड श्रेणी के तत्व कहां के आते हैं लेंथेनोइड श्रेणी के। तो अब 14 तत्व और जोड़ दो इसमें तो क्या हो जाएगा 71। तो इसका परमाणु क्रमांक 58 ना होकर कितना हो जाता है 72 हो जाता है। कितना हो जाता है 72 और ये हो जाता है 80 पे। ठीक है ओके अब अपन देखते हैं 4F श्रेणी के एलिमेंट्स 4F सीरीज के तत्व देखते हैं भाई 58 से 71 तक के तो कहां है 4F सीरीज में ही तो है। तभी तो मैंने बताया था कि भाई इस वर्ग में उपस्थित होते हैं कौन से लेंथेनोइड और एक्टिनोइड सीरीज के एलिमेंट्स। ठीक है तो अब इसमें पहला तत्व है सीरियम जिसका परमाणु क्रमांक 58। ठीक है इसको याद करने की तरीका सिप्रा नदी पम सम यूरोपियम गेंडा तब डाई हो अरे तम यब लूटो। तो ये हो गया 71 पे कितने पे हो गया 71। ठीक है विद्यार्थियों क्या हो गया सिप्रा नदी पम सम यूरोपियम गेंडा तब डाई हो अरे तम यब लूटे ये क्या लूटो ये क्या हो गया अपनी 4F सीरीज जिसको लेंथेनोइड सीरीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं सही लेंथेनोइड सीरीज। ठीक है लेंथेनोइड श्रेणी कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों अब इसके बाद में लेंथेनम इसके नीचे है एक्टिनम। क्या है एक्टिनम। ठीक है एक्टिनम इसका परमाणु क्रमांक होता है 89। ठीक है 87। ठीक है 89 है। अब इसमें ना ये जो आवर्त है अर्ध मतलब आधा भरा हुआ ही है मतलब इसमें सारे तत्वों की खोज नहीं हो पाई ऐसे तो इसलिए मतलब इसको खाली छोड़ देते हैं। ठीक है तो इसका है एसी वैसे कुछ एलिमेंट्स हैं मैं लिख देता हूँ एसी रफ डिब्बी सगे भाई हस मत दस रोगी। ठीक है अब ये ना है मतलब ये क्या है देखो 89 के बाद में एक्टिनम के बाद में क्या है एक्टिनोइड सीरीज के तत्व आते हैं ये जो 5F सीरीज है इसको क्या कहते हैं एक्टिनोइड सीरीज भी कहते हैं एक्टिनोइड श्रेणी भी। तो ये एलिमेंट्स आते हैं इस एक्टिनम के बाद में 90 से लेके 103 तक। तो ये हो गया 104 का तत्व 105 का तत्व 106 107 108 109 110 111 ये 112 हो जाएगा यहाँ पे 113 हो जाएगा यहाँ पे 114 हो जाएगा यहाँ पे 115 यहाँ पे 116 यहाँ पे 117 और यहाँ पे 118 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है इस प्रकार आवर्त सारणी में कितने हैं 118 तत्व उपस्थित होते हैं।
ठीक है। तो विद्यार्थियों जो 100 से परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वाले देते हैं ना, उनमें क्या है कि कुछ देश अपने वैज्ञानिकों के नाम पर उनका नाम रख दिया, कुछ देशों ने अपने वैज्ञानिकों के नाम पर उनका नाम रख दिया। तो इसलिए आईयूपीएसी ने इन सब से बचने के लिए क्या है, परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वाले तत्वों का नाम एक स्पेशल नाम बना दिया भाई, अपने तरीके से एक फॉर्मूला बनाया, उसके अकॉर्डिंग ही इनका नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो वो नाम मैं अभी पीरियोडिक टेबल करा के फिर कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, एक्टिनम के बाद में कौन से तत्व हैं, एक्टिनोइड्स, और इसमें पहला है थोरियम 90 पे, ठीक है। इसकी सुपर ट्रिक है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे पुराने आम कम बिके कैफ एस फिल्मी मैडम नो लारा, ठीक है। ये क्या हो गया 103 पे, ठीक है। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे पुराने आम कम बिके है बर्केलियम, ठीक है, बिके कैफ एस फिल्मी मैडम नो लारा, ठीक है। हो गया ये भाई, डी भी हो गया रे, एफ भी हो गया, अपना पी बच गया। अब देखो पी में बोरोन है, बोरोन वाले को याद करते, बैंगन आलू गाजर इन थैली, ठीक है, बैंगन आलू गाजर इन थैली। अब इसको याद करते हैं, काशी गए शंकर प्रभु, ठीक है। जिस प्रकार सुपर ट्रिक में याद करें उसी प्रकार के गुणों में क्या होगी, समानता। फिर ये है नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी या बीजी, ठीक है। इसके बाद में ओ सलमान सीले तेरी पॉकेट, ओके। फिर ये इसको फिर कल बाहर आई आत्मा, ठीक है, एटी है एसटीटीन। इसके बाद में ये हे नेताओं और कर्मचारियों जींदे रहना या जीते रहना, ठीक है। ये हो गया अपनी पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मोजले ने बनाई थी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। इसमें तत्व किस आधार पर रखा, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। देखो पहला परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का, दूसरा हीलियम का, फिर तीसरा लिथियम का, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इस प्रकार से इनमें परमाणु क्रमांक बढ़ते रहते हैं ऐसे, ठीक है। फिर गुणों में समानता, निश्चित अंतराल के बाद में गुणों में, देखो भाई ये यहाँ तक बेटा, फिर इसके निश्चित अंतराल के बाद इसमें इसके इसके गुणों में समानता आ गई, मतलब ये वैसे तो ये समानता नहीं रखता है, ठीक है। फिर ये बढ़ा ऐसे, फिर निश्चित अंतराल के बाद में इसके गुणों में समानता आ गई, तो इसे तो गुणों में आवर्तीता कहते हैं, ठीक है, या आवर्ती फलन, ठीक है। अब ये पीरियोडिक टेबल होगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक बार फिर से इनके सुपर ट्रिक बताता हूँ मैं, देखो इसके लिए वर्ग संख्या के लिए लिली ने कहा रूबी सजी फिरे, ठीक है। इसके लिए वर्ग संख्या दो के लिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। अब जो 3 से 12 तक के ये सीरीज है 3D, 4D, 5D और 6D, तो 3D सीरीज के लिए शक्ति वक्कर मैग्नीज फेकोनी कॉपर जिंक, ठीक है। फिर ये यारी जरा निभा मौत तक रू रो पड़ेगी आज चांदनी, ठीक है। फिर ले हाफ टेबलेट वरे ओस्मियम इधर पट्यो आलू हलवो, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में ये है एक्टिनम एसी रफ डीबी सगे भाई हस मत दस रोगी, ठीक है। अब ये है भाई, ये जो सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक के तत्व हैं ये कहाँ है, लेंथेनम और हाफियम के बीच में यहाँ पे उपस्थित हैं। तो ये क्या, सीप्रा नदी पम सम यूरोपियम गेंडा तब डाई हो अरे तम यब लूटो, ठीक है। इसी प्रकार ये जो एक्टिनम के बाद में उपस्थित हैं यहाँ पे 90 से 103 तक के तत्व, ठीक है। तो थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे पुराने आम कम बिके कैफ एस फिल्मी मैडम नो लारा, ओके। अब फिर क्या है, 13वां वर्ग बैंगन आलू गाजर इन थैली, ठीक है। इसी प्रकार काशी गए शंकर प्रभु नाना नेपाल वाली बनाई थी ना, तो ये कर देते हैं नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार या भिखारी, ठीक है। फिर
ओ सलमान सीले तेरी पॉकेट, और फिर सत्रहवें वर्ग के तत्व, फिर कल बाहर आई आत्मा। ठीक है, हे नेताओं और कर्मचारियों जिंदे रहना। ठीक है, ये हो गया आवसानी। ठीक है, कौन सी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक होता है सीडी नो मारेखा, स्टीयर लाइन। ठीक है, स्टीयर लाइन होती है, वो क्या है कि इन तत्वों को डिवाइड करती है धातु और अधातु में। तो ये सीडी नो मारेखा होती है आवसानी। देखो, बोले शिव जी, बोले शिव जी, इसको भी लगा लेते साथ, बोले शिव जी ऐसी, बोले शिव जी ऐसी सब में, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये सीडी तो ये हो गई। देखो, बोले शिव जी ऐसी तेरी आत्मा। ठीक है, बोले शिव जी ऐसी तेरी आत्मा। ठीक है विद्यार्थियों, ये हो गई सीडी नुमा स्टीयर लाइन, मतलब बोले शिव जी ऐसी तेरी आत्मा। लेकिन इनको इनमें है ना, देखो दो चार दो ये इनका और ध्यान रखना है। बोले शिव जी, बोले शिव जी ऐसी सब में तेरी आत्मा। तो देखिए होता क्या है कि ये जो सीडी नुमा रेखा है ना, ये इन तत्वों को क्या है, ये इन तत्वों को धातु और अधातु में डिवाइड करती है। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल में। अब देखो, ये जर्मेनियम और एसबी को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, तो इस आवर्त सारणी के ये जो सीडी नुमा रेखा, इसके इस साइड में ठीक है, इस वाले साइड में, ठीक है, इस वाला साइड में कौन सा है, ये जो दायां भाग है, दाएं भाग में, इधर तो क्या है मेटल, इधर तो क्या है मेटल, ठीक है, धातु है। और इस भाग में क्या है, सॉरी, ये जो है बाएं भाग में, क्या है बाएं भाग, लेफ्ट में क्या है मेटल, धातु है। और राइट भाग में क्या है नॉन मेटल, अधातु है। और ये जो बोले शिव जी ऐसी सब में तेरी आत्मा है ना, ये क्या है उपधातु, ये एक दो, ठीक है, तीन चार पांच छह और एक सात, ठीक है, इसको अधातु भी मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है उपधातु, मेटलॉइड, ये क्या है मेटलॉइड, और इधर क्या है नॉन मेटल, ठीक है, और ये क्या है मेटलॉइड उपधातु। ठीक है, ये हो गया डिवाइडेशन अवसानी का, मतलब धातु अधातु उपधातु में। और जो कि ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, इस पीरियोडिक टेबल में पांच है ना, पांच क्या है लिक्विड है, पांच क्या है लिक्विड एलिमेंट। ठीक है, वो कौन से हैं, देखो इसको याद करने, फरकस बर्गा एच जी, ये हैं फरकस बर्गा एच जी, ये हैं मतलब फ्रेंसियम सीजियम ब्रोमीन गैलियम और मरकरी। ठीक है, तो ये फरकस है ना, ये फरकस तो एस ब्लॉक के हैं, किसके हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। और ये बर्गा ये है पी ब्लॉक के एलिमेंट, किसके हैं पी ब्लॉक के। और ये एच जी अकेला है किसका है डी ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है विद्यार्थियों, ये क्या है डी ब्लॉक का एलिमेंट। ओके, तो ये हो गया अपना जो पीरियोडिक टेबल में। अब एक इस पीरियोडिक टेबल में गैस भी है, क्या है गैसेज, इस जो पीरियोडिक टेबल में गैसेज हैं 11, कितनी है 11 गैस हैं। देखिए विद्यार्थियों, 11 गैस में कौन सी, एक तो हाइड्रोजन हो गई अपनी, ठीक है, एक नाइट्रोजन हो गई, एक ऑक्सीजन हो गई, एक फ्लोरिन हो गई, फिर एक क्लोरिन, कितनी हो गई ये 5 हो गई। ठीक है, देखो कौन कौन सी, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और क्लोरीन, 5। और ये देखो, हे नेताओं और कर्मचारी जीते रहना, देखो 1 2 3 4 5 और 6 ये हो गई, टोटल कितनी हो गई 11 गैसें हो गई ना, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और क्लोरीन, और 6 ये 11 गैसेज हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, और 5 लिक्विड हैं, और बच गए सारे क्या हैं सॉलिड। ठीक है, और एक जो आप पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट्स है आयोडीन, ये आयोडीन ये क्या करता है सब्लिमेशन शो करता है, ये क्या करता है ऊर्ध्वपातन की घटना प्रदर्शित करता है, सब्लिमेशन शो करता है, ये ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, और गैसीय से सीधे ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। विद्यार्थियों, ये है अपनी क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। आज के लेक्चर में यहीं तक ही है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।